अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में स्रोतों से जो जानकारी प्राप्त हुई थी, साथ ही जो सर्विलांस के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई, उसमें एक तहसीलदार रानीगंज पद्मेश श्रीवास्तव का नाम उजागर हो रहा था। जिस दिन 12 तारीख को 12 फरवरी को ये पद्मेश श्रीवास्तव प्रतापगढ़ से लखनऊ आया था और यहाँ पे लास्ट लोकेशन रुचि चौहान के साथ इसकी मिल रही थी और आखिरी कॉल भी रुचि चौहान की पद्मेश श्रीवास्तव की। शक के आधार पर पद्मेश श्रीवास्तव से पूछताछ की गई तो घटना का पूरा खुलासा हुआ। पद्मेश श्रीवास्तव ने बताया कि उनके पिछले 1.5 वर्ष से वो रुचि को जानता था। फेसबुक के माध्यम से इनकी मुलाकात हुई थी और संबंध थे। रुचि पूर्व में इसकी शादी हो रखी थी जिससे अपने पति से इसका विवाद चल रहा था और डाइवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही थी। अब लगभग उनकी डाइवोर्स की प्रोसीडिंग फाइनल होने वाली थी तो रुचि अब इस पर शादी का दबाव बना रही थी। ये पद्मेश ने शादी करने से मना कर दिया क्योंकि ये ऑलरेडी शादीशुदा था और जब ये ज़्यादा दबाव बनाने लगी तो ये बात इसने अपनी पत्नी से भी शेयर करी और इन दोनों का प्लान हुआ कि अब इसको हमें रास्ते से हटाना होगा, तभी निजात मिलेगी। तो पद्मेश 12 फरवरी को लखनऊ आया और यहाँ पे PGI में वृंदावन एरिया में रुचि को बुलाकर उससे मिला। इसका साथी नामवर सिंह इनको जूस में अल्प्रेक्स की गोलियां मिलाकर इसको रुचि को नशे की हालत में कर दिया और फिर इसे अपनी गाड़ी में शिफ्ट करके नाले में ले जाकर फेंका। इसकी मौत सुनिश्चित हो जाए इसलिए इसने पहले इसका मुंह और गला दबाया, साथ ही इसके सर पे भी वार किया। जो इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उससे भी इसकी पुष्टि होती है। नामवर सिंह जो है कल्ली पश्चिम थाना PGI का रहने वाला है। ये मूल रूप से प्रतापगढ़ का है। इसका एक जमीन का मैटर चल रहा था दाखिल खारिज का, जो इसी के तहसीलदार कोर्ट में चल रहा था। वहीं पे इनकी जानकारी हुई और अपने जमीन का मैटर ख़त्म करने के लिए इसने तहसीलदार की योजना में साथ देने का पूरा प्लान बनाया। जिस दिन ये घटना हुई है ये नामवर। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।